जो कहानियाँ आपको सुनाने जा रहा हूँ वे इतिहास नहीं मान्यताएं हैं। इन मान्यताओं को आस्थावान लोग सदियों से कहते सुनते आ रहे हैं, मगर ये मान्यताएं कब इतिहास का हिस्सा बन गईं किसी को नहीं मालूम। आज जब भी ये कहानियाँ सुनाई सुनी जाती हैं, आम तौर पर आस्थावान इसे अपना इतिहास मानते हैं, लिहाजा मुश्किल से हासिल किया गया इतिहास का बोध यहाँ बेबस हो जाता है, वह मान्यताओं की बेड़ियों में जकड़ जाता है। फिलहाल हमारी इन कहानियों का दायरा यहूदी, ईसाई और इस्लाम की मान्यताएं हैं। ये मान्यताएं भले ही इतिहास नहीं हों, मगर इन्होंने इतिहास को मोड़ देने में समय समय पर बड़ी भूमिकाएं निभाई हैं। लगभग 4000 बरस पहले की बात है, आज के इराक यानी कल के बेबीलोन में उर नामक एक शहर था। वहाँ का एक नौजवान बहुत गुमसुम रहता था। पिता का नाम आज़ार था और मूर्ति बनाने में आज़ार का बड़ा नाम था। उनकी बनाई मूर्तियाँ दूर दराज के इलाके में पूजी जाती थीं। नौजवान ने एक दिन अपने पिता से सवाल कर दिया कि खिलौनों की तरह इन मूर्तियों में न तो कोई जान है और न ही चेतना, ऐसे में इन मूर्तियों का मंदिर में क्या काम। पिता ने उन मूर्तियों की ओर इशारा करते हुए जवाब दिया कि ये ईश्वर का प्रतिनिधित्व करती हैं, हम अपनी तमाम मांगे इनके सामने रखते हैं, हमारी मन्नतें पूरी होती हैं, लिहाजा हम इनके भक्त हैं। उस नौजवान ने उन मूर्तियों को अपना ईश्वर मानने से इनकार कर दिया। इसी बीच पिता कुछ मूर्तियां बेचने बाजार चले गए। घर पर तब भी बहुत बड़ी संख्या में छोटी बड़ी मूर्तियां रखी हुई थीं। उस नौजवान ने डंडा उठाया और सभी छोटी बड़ी मूर्तियों को तोड़कर टुकड़ों में तब्दील कर दिया और बचा ली गई एक सबसे बड़ी मूर्ति के हाथ में डंडा पकड़ा दिया। पिता बाजार से लौट कर आए, टूटी बिखरी मूर्तियों को देखकर अवाक रह गए। संभल कर बेटे से पूछा कि ये सब किसने किया, मूर्तियाँ टूटी कैसी। नौजवान ने डंडा हाथ में लिए हुए उस बड़ी मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसने तोड़ा, क्योंकि छोटे बुतों से इसका झगड़ा हो गया, गुस्से में इसने सबको तोड़ डाला। पिता चकित होते हुए पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है, मूर्तियों में तो जान ही नहीं होती। नौजवान ने मुस्कुराकर पूछा, फिर यह जान वालों को कैसे बचा पाती, मुरादें कैसे पूरी कर पाती। यह कहानी कुछ उसी अंदाज में कहीं सुनी जाती है जिस अंदाज में पुराणों और मिथकों की कहानियाँ होती हैं। इसका कोई इतिहास नहीं है, मगर इस कहानी का नायक नौजवान इब्राहिम बताए जाते हैं। इब्राहिम यानी इस्लाम का छठा पैगंबर। जिस तरह इस्लाम के पहले पैगंबर आदम ही यहूदी और ईसाई के एडम हैं, इस्लाम का दूसरा पैगंबर इदरीस ही यहूदी और ईसाई के एनोक हैं, इस्लाम के नूह यहूदी और ईसाई के नोआ हैं, खुद एबर हैं और सालेह ही सलाह हैं। ठीक उसी तरह पैगंबर इब्राहिम ही ईसाई और यहूदियों के बीच अब्राहम हैं। अब्राहम को ही यहूदी धर्म का जनक माना जाता है। यहूदियों और ईसाइयों के अब्राहम ही मुसलमानों के इब्राहिम हैं और वह तीनों धर्मों के पैगंबर हैं। आने वाली इनकी नस्लों के नाम भी उच्चारण की वजह से अलग अलग नज़र आते हैं, लेकिन वह एक ही हैं और उनसे जुड़ी कहानियाँ भी कमोबेश समान हैं। कोई शक नहीं कि जगह जगह पर उन कहानियों के किरदार बदल जाते हैं और इसी बदलते किरदार के चलते उनके बीच के विवाद का वजूद भी है। इब्राहिम की बीवी थी सारा, बेहद खूबसूरत, मगर 80 बरस के पार की उम्र हो जाने के बाद भी इब्राहिम की कोई औलाद नहीं थी। एक दिन उन पर परमेश्वर का रहस्योद्घाटन हुआ कि अब्राहम अपने पिता का देश छोड़कर एक अनजान देश की ओर कूच करे और ईश्वर के अलावे किसी की इबादत न करे। इसके बदले उन्हें औलादें ही नहीं बल्कि एक अलग देश और प्रसिद्धि भी मिलेंगी। अब्राहिम ने परमेश्वर की आज्ञा का अनुसरण किया और अपनी पत्नी सारा के साथ
वादा किए गए देश की तलाश में निकल पड़े। यह देश उन्हें भूमध्य सागर पर कनान के रूप में मिला। इस बीच औलादें नहीं होते देख इब्राहिम ने सारा की सहमति से हाजरा से शादी कर ली। हाजरा से इस्माइल पैदा हुए और सारा से आइज़ैक ने जन्म लिया। इन्हीं आइज़ैक को इस्लाम में इसहाक कहा जाता है। यहूदी और ईसाई खुद को इन्हीं आइज़ैक का वंशज मानते हैं और इस्लाम को मानने वाले खुद को इब्राहिम के बेटे इस्माइल का वंशज ठहराते हैं। यहीं से ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों के रास्ते अलग हो जाते हैं, मगर तीन धर्मों का जुड़ाव इब्राहिम या अब्राहम से है, इसलिए इन तीनों धर्मों को अब्राहमिक धर्म कहा जाता है। इस अब्राहमिक धर्म से निकला तीसरे धर्म की कहानी ईसा मसीह की कहानी के साथ यहूदियों से जुदा हो जाती है, मगर वहाँ तक यहूदी और ईसाइयों की कहानियाँ एक ही हैं। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।